नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो के विशेष कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, जिसमें कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस जो है बॉयज स्कूल के ग्राउंड में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि जो है IPH मंत्री महेंद्र सिंह जी आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 अगस्त में बिल्कुल तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। आइए आपको दिखाते हैं 15 अगस्त की प्रमुख झलकियाँ। देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर रहे, सभी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही हैं और अब धीरे धीरे सलाम यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। सभी से आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़े होने परेड के निरीक्षण के लिए सम्मान हमारे मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रण का प्रिय रक्षक वाहिनी सम्मान गान के आगे से गुजरते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सजग कर्तव्य अनुशासित सभी जगह हमारे पांच पांच के लिए तैयार है। सबसे आगे कदम से कदम मिलाते हुए धीरे धीरे सलामी पानी की ओर अग्रसर है हिमाचल प्रदेश। प्लाटून कमांडर हिमाचल प्रदेश पुलिस SI अजीत कुमार के नेतृत्व में उनके पीछे है हिमाचल होमगार्ड में प्लाटून कमांडर PG प्रथम प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में फायर सर्विस रायजल LFM देवेंद्र डिग्री कॉलेज हमीरपुर NCC कैडेट प्लाटून कमांडर मनोज कुमार के नेतृत्व में FNCC के कैडेट विशाल कुमार प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हैं। हमीरपुर के प्लाटून कमांडर सचिन सिद्धार्थ के नेतृत्व में प्लाटून कमांडर सुजल के नेतृत्व में सिल्वर बेल पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्र छात्राएं प्लाटून कमांडर आयुष के नेतृत्व में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मठानी के छात्र छात्राएं प्लाटून कमांडर नेतृत्व में उनके
हीरानगर के छात्र छात्राएं फोटो लेना प्लाटून कमांडर श्रीमल के नेतृत्व में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉय हमीरपुर एनसीसी विंग प्लाटून कमांडर सागर के नेतृत्व में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉय हमीरपुर एनएसएस छात्र प्लाटून कमांडर के प्रांत होमगार्ड का हमारा बैंड आज मेरा सौभाग्य है कि हमीरपुर की देवभूमि में मुझे दोबारा से आपके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सौभाग्य एक ऐसे पावन पवित्र दिवस को लेकर के जहां एक तरफ आजादी का 73वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो आज से पहले जितने भी स्वतंत्रता दिवस मनाए गए हैं ये स्वतंत्रता दिवस उन सभी स्वतंत्रता दिवसों के ऊपर है। आज अखंड भारत की एक तस्वीर जो है तिरंगे के रूप में लाल किला से लेकर के कश्मीर के लाल चौक तक जो है हमारी जान और शान ये तिरंगा बड़ी धूमधाम से जो है फहराया जा रहा है। मैं आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की जहां बधाई देता हूं वहां नामालूम कितने वर्षों के उपरांत वो पावन पवित्र दिवस जो है इकट्ठे आए, एक तरफ देश की आजादी का पावन पवित्र दिवस और दूसरी तरफ तो रक्षाबंधन का एक पावन पवित्र त्यौहार जो भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है। ये दोनों पावन पवित्र दिवस जो है बहुत मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। पहली हो सकता है मैं तो मेरे ध्यान में रहता है कि नहीं ऐसा ना हो कि पहली मरतबा इकट्ठे आए, और इसलिए इकट्ठे आए क्योंकि इस बार अखंड भारत जो है उसमें तिरंगा लहराया गया है। यह देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी को पहली मर्तबा जो है देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक संकल्प रखा था, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के चले थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को फावड़ा उठाया था, तसला लिया था और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। देशवासियों का ऐसा लग रहा था कि एक देश इतने बड़े लोकतंत्र का जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का प्रथम नागरिक होने के नाते खुद जिसने फावड़ा उठाया है, कसरा उठाया है, स्वच्छ भारत को लेकर के एक अभियान शुरू किया है, इस देश के करोड़ों करोड़ों भारतवासियों ने अपने प्रधानमंत्री जी के उस स्वच्छ भारत मिशन में अपने आप को शामिल किया। और जो 5 वर्ष का कार्यकाल 2014 से लेकर के 2019 तक का जो कार्यकाल एनडीए सरकार का 7 वर्ष के बीच में रहा,
साथ हर घर हर नागरिक जो है उस भाई की तरफ उसका विशेष ध्यान है। और हिमाचल प्रदेश तो एक ऐसा राज्य बन गया इस देश के अंदर, यहाँ पर कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार के पास अपना शौचालय ना हो, जिस परिवार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ मिशन में अपने आप को शामिल ना किया। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख नौजवानों, 70 लाख जनता ने जो है प्रधानमंत्री के इस मिशन को अपनाया और अपने घर से स्वच्छता का मिशन शुरू किया। और जो घर से स्वच्छता का मिशन शुरू किया, भाई और बहनों, घर से शुरू हुआ मिशन अपने अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपनी पंचायतों से बढ़ता हुआ, अपनी तहसील तहसील से बढ़ता हुआ, जिला जिला से बढ़ता हुआ पूरा प्रदेश आज स्वच्छ हिमाचल प्रदेश का नाम है। बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब देखा कि इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि अपना इलाज उपचार कराने में असमर्थ होते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी का बधाई देना चाहता हूं इस देश की जनता को कि एक आयुष्मान भाव एक ऐसा मिशन ही पूरे भारतवर्ष के लिए लाया। और वो मिशन उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के हमारे सूत्र आपने श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके विभाग से शुरू हुआ और आज करोड़ों करोड़ों लोग जो है इसका फायदा पूरे भारतवर्ष में उठा रहे हैं। एक दूसरी ऐसी शुरुआत की गई थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार में पैदा हो, अगर उसको कोई गंभीर बीमारी आ जाती है, उसको अपना इलाज उपचार कराना होता है, तो उसको इलाज और उपचार कराने के लिए उसको किसी साहूकार के पास ना जाना पड़े। तो 2014-2019 के बीच में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किस सरकार ने किया है। भाई और बहनों, मुझे याद है चुनाव से कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना भारतवर्ष के किसानों के लिए जारी की, और जब वो योजना लागू की कि 6,000 रुपए प्रति किसान के खाते में जो है वो 2,000 की 3 किस्तें आएंगी, मैं प्रधानमंत्री जी को भारतवर्ष और विशेष करके हिमाचल प्रदेश के किसानों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा और प्रदेश के किसानों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि जो योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, आज वो योजना हर किसान के खाते में 2,000 रुपए जो है उनके खातों में पड़ा है। सबको, सब किसानों की आर्थिकी जहां मजबूत हुई है, सब किसान अब खेती बाड़ी की तरफ, बागवानी की तरफ आगे बढ़े। तो इसी के साथ साथ हमारी सेना के तीनों अंगों ने जब देखा कि एक ऐसा बालाकोट की एक ऐसी घटना घटी, हमारे ऐसे सूरवीरों के ऊपर कैसा अटैक किया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये बदला के त्याग के तपस्या के शहादत बर्बाद नहीं जाएगी और कुछ ही दिनों के अंदर भारतवर्ष की सेना उन्हें मिलकर के जो है पाकिस्तान के अंदर जाकर के लगभग 400 आतंकवादियों को ठिकानों पर रात को ढाई बजे ध्वस्त किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई, तीनों सेनाओं को भी बधाई देना चाहूंगा। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्योहार जो चुनाव की दृष्टि से देखा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और हमारे लिए चुनाव एक ऐसा त्योहार होता है कि हर मतदाता हर नागरिक जो है वो फैसला करता है, तय करता है कि अगली बार किसको मौका दिया है, सेवा का मौका किसको दिया जाए। और इस महान त्योहार के रूप में जब 2019 में चुनाव हुए, उन चुनावों में एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ दोबारा से 2014-2019 के बीच में किए गए पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार एनडीए की सरकार को एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है हासिल हुआ है। श्रद्धेय मोदी जी इस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। आप सबने आज 7:30 बजे से लेकर के और लगभग 86 मिनट का लंबा
एक ऐसा दृष्टिकोण जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का लाल किले से संबोधन सुना है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग को उसमें एक बहुत बड़ी तहजीब दी है। मैं कहना चाहूंगा कि उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस थोड़े से कार्यकाल के बीच में, अभी तो कुछ दिन ही हुए नई सरकार को बने हुए, और नई सरकार को बनने के उपरांत एक ऐसा समुदाय इस देश का, हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई बहन और विशेष करके हमारी बहनें, जो तीन तलाक को लेकर के जो है वो हमेशा उनके सिर के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर एक ऐसी तलवार लड़की रहती थी कि ना मानो कब जो है वो तीन बार तलाक कह करके जो है उन बहनों का भविष्य, उन माताओं का भविष्य, उन बेटियों का भविष्य खत्म हो जाए, वो हमेशा उनके दिल में फैल रहता था, डर रहता था। मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली मरतबा जो वायदा किया था देशवासियों के साथ, ये तीन तलाक की तलवार वैसे समुदाय के हमारी बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर लटकी रहती है, इसको, इस तीन तलाक को अपराध घोषित करेंगे। इस बार कुछ ही दिनों की बनी हुई सरकार ने, सदैव नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले लिया कि तीन तलाक कहने वालों को जो है इसको अपराध घोषित किया जाएगा। मैं करोड़ों बहनों को बधाई देना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे ही देश में नई सरकार बनी और नई सरकार बनने पर जैसे ही गृह मंत्रालय जो है हमारे एक ऐसे योद्धा को दिया गया, अमित शाह जी को दिया गया, तो जिस दिन उनको गृह मंत्री बनाया गया था उसी दिन देश की जनता ने सोच लिया था कि अब ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे, इन ऐतिहासिक फैसलों को लेने के लिए आज से बहुत वर्ष पहले जो है हमारे ऐसे महान शहीदों ने शहादत दे दी थी। इस देश में दो प्रधान दो संविधान नहीं चलेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने जो कश्मीर में धारा 370, जो कश्मीर में धारा 33 है, उसको बजाय लोकसभा में पारित करने से पहले उसको राज्यसभा के माध्यम से जो है पहले राज्यसभा से पारित कराया, उसके बाद लोकसभा से पारित कराया है। आज जम्मू और कश्मीर, जैसे मैंने कहा, एक अखंड भारत के रूप में 73वां स्वतंत्रता दिवस है आज पूरे धूम धड़ाम के साथ है भारतवर्ष के अंदर, अखंड भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है। इसीलिए आज रक्षाबंधन का त्योहार परम पिता परमेश्वर की कृपा से है, इसको भी इसके साथ जोड़ा गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, और कश्मीर वासियों को भी बधाई देता हूँ कि अब हम एक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस रूप में भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जैसे ही नई सरकार बनी, नई सरकार बनने के उपरांत जल शक्ति नया मंत्रालय जो है भारतवर्ष के अंदर खड़ा कर दिया गया। नहीं तो पहले क्या होता था, एक आधा विभाग किसी के पास होता था, आधा विभाग किसी दूसरे मंत्री के पास होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा महसूस किया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो आज विश्व में पीने के पानी की समस्या उभरती चली जा रही है, जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे ग्लेशियर जो है वो पिघलते चले जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे जो ऐसे प्राकृतिक स्रोत थे पीने के पानी के, बोरियां थी, कुएं थे, खातरियां थी, वो सूखती चले जा रही है। इसके ऊपर उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भारतवर्ष के अंदर इसका अलग से मंत्रालय होना चाहिए, और जल शक्ति मंत्रालय बनाने के साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस ऐतिहासिक लाल किले से